धर्म जनता की अफीम है, लोकतंत्र समाजवाद का मार्ग है, क्रांतियां इतिहास का इंजन होती हैं। जमींदार सभी अन्य लोगों की तरह वैसी फसल काटना पसंद करते हैं जिसे कभी बोया ही नहीं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि एक आदमी के एक घंटे की कीमत दूसरे आदमी के एक घंटे के बराबर है, बल्कि यह कहें कि एक घंटे के दौरान एक आदमी उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक घंटे के दौरान कोई और आदमी समय सब कुछ है, इंसान कुछ भी नहीं, वह अधिक से अधिक समय का शव है। दर्शन शास्त्र और वास्तविक दुनिया के बीच का संबंध है जो उन्निवाद और कामुकता का प्रेम है। अनुभव सबसे खुशहाल लोगों की प्रशंसा करता है, वे जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को खुश किया। दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। सभी बच्चों की शिक्षा जिस क्षण से वे बिना माँ की देखभाल के मिल सकते हैं राज्य संस्थानों में होगी। आवश्यकता तब तक अंधी होती है जब तक वह सचेत न हो जाए। स्वतंत्रता आवश्यकता की चेतना है। साम्यवाद के सिद्धांत को एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है, सभी निजी संपत्ति को समाप्त करें। नया युग मुख्य रूप से पुराने से अलग है कि चाबुक अपने आप में प्रतिभा की कल्पना करना शुरू कर देता है। औद्योगिक रूप से अधिक विकसित देश कम विकसित की तुलना में अपने स्वयं के भविष्य की छवि दिखाते हैं। गोरी त्वचा में श्रम तब तक स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता जब तक कि काली त्वचा में श्रम को ब्रांडेड किया जाता है। पूंजीवादी समाज में पूंजी स्वतंत्र और व्यक्तिगत है, जबकि जीवित व्यक्ति आश्रित है और उसकी कोई निजता नहीं है। धर्म दीन प्राणियों का विलाप है, बेरहम दुनिया का हृदय है और निष्प्राण परिस्थितियों का प्राण है, यह लोगों का अफीम है। पूंजी का आधुनिक इतिहास 16वीं शताब्दी में एक विश्वालिंगन वाणिज्य और एक विश्वालिंगन बाजार के निर्माण से है। अपनी स्थिति के बारे में भ्रम को त्यागने की मांग एक ऐसी स्थिति को छोड़ने की मांग है जिसमें भ्रम की आवश्यकता होती है। अंग्रेजों के पास क्रांति के लिए आवश्यक सभी सामग्री है। उनमें सामान्यीकरण की भावना और क्रांतिकारी उत्साह की कमी है। पूंजीपति मजदूर की सेहत या उसके जीवन की लंबाई के प्रति लापरवाह है जब तक कि उसके ऊपर समाज का दबाव ना हो। लेखक इतिहास के एक आंदोलन को इसके मुखपत्र के रूप में अच्छी तरह से सेवा दे सकता है, लेकिन वह इसे बना नहीं सकता है। राजनीतिक शक्ति जिसे उचित रूप से तथाकथित कहा जाता है, दूसरे पर अत्याचार करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। इतिहास कुछ नहीं करता, इसके पास अपार धन नहीं है, यह लड़ाई नहीं लड़ता है, यह तो पुरुष है वास्तविक जीवित जो यह सब करते हैं। जीने और लिखने के लिए लेखक को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में उसे पैसा कमाने के लिए जीना और लिखना नहीं चाहिए। तब दुनिया आम लोगों के लिए होगी और खुशी की आवाजें गहरे झरनों तक पहुंचेंगी। आह, आइए, हर देश के लोग तुम कैसे नहीं जाग सकते। जितना अधिक श्रम का विभाजन और मशीनरी का उपयोग बढ़ता है उतना ही श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उतनी ही उनका वेतन कम होता जाता है। पूंजी मृत श्रम है जो पिशाच की तरह सिर्फ जीवित श्रमिकों का खून चूस कर जिंदा रहता है,
और जितना अधिक ये जिंदा रहता है उतना ही अधिक श्रमिकों को चूसता है। मनुष्य सबसे शाब्दिक अर्थों में एक राजनीतिक जानवर है, न केवल एक मिलनसार जानवर बल्कि एक जानवर जो समाज के बीच में ही खुद को अलग कर सकता है। उत्पीड़ितों को हर कुछ वर्षों में एक बार यह तय करने की अनुमति दी जाती है कि उत्पीड़क वर्ग के कौन से विशेष प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करें और उनका दमन करें। इतिहास किसी व्यक्ति विशेष की तरह नहीं है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरुषों का उपयोग करता है। इतिहास कुछ और नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों की खोज में पुरुषों की कार्रवाई है। इस बंधन की चरम सीमा यह है कि केवल एक कार्यकर्ता के रूप में ही वह खुद को एक भौतिक विषय के रूप में बनाए रखता है, और यह केवल एक भौतिक विषय के रूप में है कि वह एक कार्यकर्ता है। जो भी इतिहास की कुछ जानकारी रखता है वो ये जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान के असंभव है। सामाजिक प्रगति महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर मापी जा सकती है। नौकरशाह के लिए दुनिया महज एक हेरफेर करने की वस्तु है। लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का उन्मूलन है। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। उपयोग की वस्तु हुए बिना किसी चीज की कीमत नहीं हो सकती। कंजूस मात्र एक पागल पूंजीपति है, पूंजीपति एक तर्कसंगत कंजूस है। बहुत सी उपयोगी चीजों के उत्पादन से बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं। प्रत्येक युग के शासक विचार हमेशा उसके शासक वर्ग के विचार रहे हैं। सामाजिक प्रगति को महिलाओं की सामाजिक स्थिति से मापा जा सकता है। धर्म मानव मस्तिष्क जो न समझ सके उससे निपटने के लिए नपुंसकता है। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरा प्रहसन के रूप में। अमीर गरीब के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनके ऊपर से हट नहीं सकते। केवल मात्रात्मक अंतर एक निश्चित बिंदु से परे गुणात्मक परिवर्तनों में बदल जाते हैं। पुरुष अपना इतिहास खुद बनाते हैं लेकिन वे इसे वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। इसलिए अनुपात में जैसे जैसे काम की प्रतिकर्षण बढ़ती है मजदूरी कम हो जाती है। यदि बाहरी रूप और चीजों का सार सीधे मेल खाता है तो सभी विज्ञान अनावश्यक होंगे। इस प्रकार मनुष्य का अलगाव पूंजीवादी समाज की मूलभूत बुराई के रूप में प्रकट हुआ। सभी मृत पीढ़ियों की परंपरा जीवितों के मस्तिष्क पर एक बुरे सपने की तरह धारित होती है।